अस्सलाम वालेकुम आज हम ये फ़्रक बनाना सीखेंगे ये उनके लिए है जो बिगनर्स हैं जिन्हें स्टिचिंग करनी आती है वो तो अच्छे से जानते हैं खासकर उनको आइडिया देने के लिए कि ये फ़्राक हम ख़ुद भी बना सकते हैं ये मैंने लेफ़्ट ओवर पीसेस से बनाया है मेरे पास लेफ्ट ओवर पीसेस पड़े हुए थे तो मैंने इससे ये बनाया है इससे आपको आइडिया मिल जाएगा कि आपके पास भी इस तरह कोई कपड़ा वगैरह पड़ा हुआ है बचा हुआ तो आप बना सकते हैं अब देखें इस तरीके से मैंने ये कपड़ा लिया अब इसकी पूरी कटिंग वगैरह मैं आपको बता रही हूँ ये मैंने दस इंच तक लिया है आप चाहें तो आप आठ इंच तक भी ले सकते हैं पर मेरे पास कपड़ा इतना था इस वजह से इसकी वेट है नाइन इंच और मैं शोल्डर और आर्म होंग के लिए मैं फाइव इंच तक लूँगी इस तरीके से आप इस तरह निशान लगा लें ये देखें ये इसकी साइड से इस तरीके से कटिंग हुई हुई है क्योंकि ये बचा हुआ पीस था उसी से मैं बना रही हूँ सेवन इंच तक हम इसकी फिटिंग लेंगे सिक्स पॉइंट फाइव तक भी आप ले सकते हैं लेकिन थोड़ा सा लूज रख रही हूँ और ये लास्ट में हम एट इंच तक ले रहे हैं नीचे से हम डेढ़ इंच तक कट कर लेंगे गोलाई में टू इंट टू इंच तक मैं विथ में टू इंच तक ले रही हूँ और डेप्थ में थ्री इंच तक ले रही हूँ इस तरीके से मैं सारी मेजरमेंट साथ, -साथ लिख भी रही हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए इस तरीके से फिर हम कटिंग कर लेंगे ये देखिए नीचे से हमने गुलाई से कटिंग कर ली और ये नेक हमने कटिंग की अब फ्रंट को हम एक इंच तक और मजीद कट करेंगे यानी कि थ्री इंच तक और बैक साइड पे हम टू इंच का निशान लगा के कट लगा लेंगे इस तरीके से अब ये बॉटम का पार्ट है ये फोर फोल्ड है मेरे पास टोटल लंबाई और चौड़ाई इतनी ही थी ये देखें टेन इंच तक है इसी वजह से मैंने टॉप का पार्ट भी टेन इंच तक लिया अगर अदरवाइज़ ये ट्वेल्व इंच होता तो मैं वो ऊपर वाला पार्ट जो है वो आठ इंच तक लेती ये देखें इस तरीके से फ्रिल के लिए मैंने पटियाँ कट की हैं ये थ्री इंच इनकी वर्थ है और इनकी लेंथ ट्वेंटी इंच तक है और ये एक साइड से थोड़ा सा कम है यानी कि टू इंच है और एक साइड से ये थ्री इंच तक हैं जो थ्री इंच वाले साइड्स हैं उनको ये जॉइंट्स में आपस में अटैच कर लूँगी ये टोटल फोर है ये देखें ये चौड़े वाले साइड में आपस में अटैच कर लूँगी और ये जो छोटे वाले साइड है यहाँ से मैं स्टार्ट लूँगी फ्रिल को ये देखें इस तरीके से वैसे भी मैंने लास्ट में हम गुलाई करनी पड़ती हमें लेकिन अब यही साइड होगा और ये मैं लूँगी बो बनाने के लिए जो हम लास्ट में अटैच करेंगे ये भी थ्री इंच तक है और ट्वेंटी इंच इसकी लेंथ है ये डबल फोल्ड है क्योंकि हमें दो बो बनानी होगी अब ये मैंने फ्रंट साइड लिया बिल्कुल सही तरीके से रखने पर मैं इसे निशान लगाऊंगी पहले टू इन, टू इंच पे लगाऊंगी इस तरह बहुत करीब करके मैं दिखा रही हूँ ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए नीचे से मैं फोर इंच पे ले रही हूँ बिल्कुल सेंटर भी ले सकती थी लेकिन हल्का सा साइड पे किया है ताकि फिटिंग के साइड बने बिल्कुल सेम टू सेम बनाने के लिए मैं बिल्कुल इस तरीके से इसे हल्का सा साइड पे कर रही हूँ क्योंकि मैंने फ़िटिंग थोड़ी सी ज़्यादा ली है अदरवाइज़ अगर ये सिक्स पॉइंट फाइव इंच पे होता तो फिर मैं इसको बिल्कुल सेंटर में रखती ये देखिए इस तरीके से इसके पार्ट्स बन जाएंगे आप बैक साइड पे पूरे निशान लगा लीजिए मैंने बारीक बारीक निशान लगा लिए थे क्रॉस के ताकि मुझे ये अंदाज़ा रहे कि ये इसकी साइड है ये देखिए इस तरीके से अब ये फ्रंट साइड है निशान लगाने से आपको आसानी होगी और गलती नहीं होगी बनाने में अब ये फ्रिल हैं वो कटिंग कर ली हमने अब ये फ्रिल्स हैं इनको हमने जॉइंट लगाना है और एक साइड से स्टिच कर लेना है ये देखिए मैंने जॉइंट लगा लिया और उसके बाद साइडों से एक तरफ से स्टिच भी कर लिया अब इसकी हम फ्रिल बनाएंगे आप चाहें तो वैसे नॉर्मली मैंने फ्रिल बनाने का तरीका बताया हुआ है नेट वाले फ्रॉक में आप ऐसे भी बना सकते हैं चाहें तो फिर धागा खींच कर भी बना सकते हैं और इसमें मैंने धागा खींच कर बनाया है धागा खींचने का तरीका ऐसे है कि आप बड़ी स्टिच लगा लें बिल्कुल फुल पे रख के और उसके बाद एक साइड से धागा खींचते जाएँ तो फिर खुद ही फ्रिल बनती जाएगी इसके मैंने कंधे जोड़ लिए अब जो ये साइड से कट की थी इनको भी हम स्टिच कर लेंगे ये देखिए इस तरह ये मैंने स्टिच कर लिया मैंने ये छोटी छोटी स्टिचिंग करके नहीं दिखाई ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो और फटाफट से हम काम कर लें ये देखें इस तरह फिर फ्रिल को हम पूरे तरीके से एडजस्ट कर लेंगे ताकि पूरा हमें अंदाज़ा हो और सेंटर से हम एक पेन लगा लेंगे या मार्क कर देंगे बिल्कुल नीचे से हम लोग दो इंच तक छोड़ देंगे उसके बाद हम स्टिच करना शुरू करेंगे क्योंकि वहाँ पर बो लगेगा पिक्चर में साथ अटैच कर लूँगी ताकि आप उसे देख कर अंदाज़ा लगा सकें कि इस तरीके से उसमें फ़ासला था पूरे एंड तक फ्रिल नहीं लगी हुई थी वरना हम चाहते तो पूरी भी लगा सकते थे ये देखें पहले मैंने फ्रिल अटैच कर ली ताकि मुश्किल ना हो उसके बाद इसे ऊपर रख कर हम स्टिच कर लेंगे इससे आगे पीछे नहीं होगा और सिलाई करने में मुश्किल भी नहीं होगी ये देखें इस तरह ये देखिए मैंने कपड़ा ऊपर रखा और इस तरीके से आराम से हम स्टिच करते हुए जाएंगे और कोई मुश्किल नहीं होगी बस आप साइड साइड से प्रिल को सेट करते जाएँ ताकि प्रिल आगे पीछे ना हो और बिल्कुल एक जैसी लगे अब देखें इस तरीके से हम सारे स्टिच कर लेंगे ये इस तरह मैंने स्टिच कर लिया अब देखें ये आगे पीछे से बहुत ज़्यादा खूबसूरती से आएगी मैंने दूसरी साइड से भी स्टिच कर लिया अब हम बैक पार्ट बनाएंगे फोर इंच तक मैंने कपड़ा लिया और उसे मैंने टू इंच पे कट कर लिया इसी तरह से कपड़ा मैंने थोड़ा बढ़ा के लिया क्योंकि पीछे की तरफ हमें मोड़ना है और फोल्ड भी करना है ये देखिए इस तरह रखते हुए हम स्टिच कर लेंगे आप चाहें तो प्लेकेट वाला स्टाइल भी कर सकते हैं पर मैंने ये बताया कि ये बहुत ही ज़्यादा आसान है इस तरह बारीक बारीक कट लगा कर आप मोड़ेंगे तो आसानी से मुड़ जाएगा आप चाहें तो पूरा मोड़ सकते हैं पर मैं इस तरीके से पाइपिंग का टच देकर मोड़ रही हूँ इस तरह से ये देखिए हमारा बैक साइड बन गया अब हमने फ्रंट साइड के लिए तिरछी पट्टी कट की है इस तरीके से हम इसे पूरा लगा लेंगे और बारीक बारीक कट लगा कर इस तरीके से मोड़ लेंगे और पूरा मोड़ेंगे पीछे की तरफ आगे की तरफ से नज़र नहीं आएगी इसी तरीके से हम स्लीव्स भी स्लीव्स की जगह भी अटैच कर लेंगे यानी कि शोल्डर्स वाली साइड पे हम चाहते थे तो इसकी स्लीव भी बना सकते थे बट जैसी पिक्चर में था मैंने वैसा ही बनाया अदरवाइज़ आप इस पर स्लीव्स अटैच कर सकते हैं वो ज़्यादा खूबसूरत लगेंगे अब ये बॉटम साइड से इसे अब इस तरीके से हम चुनट देंगे वही धागे वाला बड़ी सिलाई लगाकर और धागा हम खींच लेंगे ये देखें मैंने ये रेडी कर लिया अब हम इसे आगे और पीछे रख कर स्टिच कर लेंगे इस तरीके से ये देखें इस तरह मैंने फ़िटिंग की सिलाई उसमें ऑलरेडी लगा ली थी और ये इस तरीके से हम अटैच करते हुए जाएंगे ये देखें मैं एक पे सिलाई करके दिखा रही हूँ इसी तरीके से दूसरी साइड भी आप इसी तरह अटैच करेंगे दिखाने का मकसद ये है कि अक्सर नहीं समझ आता तो हम दिखा देते हैं वरना सिर्फ बताने से भी वीडियो काफ़ी शॉर्ट हो जाती है और समझ भी आ जाता है लेकिन बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिन्हें देख ही तसली होती है कि हमें समझ आए कि किस तरीके से स्ट्रिच किया था अब देखें इस तरीके से मैं पूरी ऊपर से लेकर नीचे तक एक ही साथच कर लूँगी हालाँकि मैंने ऊपर का पार्ट जो है वो स्टिच किया हुआ था बट इससे मैं क्या करूँगी पूरी फाइनल जो लुक है इसी से आएगी इससे मैंने पूरी फिटिंग की सिलाई कर ली अब इसे हम मोड़ लेंगे दोनों साइड में स्टिच कर लिए इस तरीके से अब ये देखिए नीचे से मैं इसे मोड़ कर इस तरह बारीक बारीक मोड़ कर स्टिच कर लूँगी अगर कपड़ा ज़्यादा हो तो मैं ये कहूँगी कि आप इसे कम से कम एक से डेढ़ इंच तक मोड़ें उससे खूबसूरती ज़्यादा आएगी मैंने बिल्कुल बारीक मोड़ा क्योंकि मेरे पास कपड़ा बिल्कुल बराबर था मिनिमम था अदरवाइज़ ये छोटा बनना था ये कम से कम दो साल की बच्ची के लिए है आप बड़ी के लिए भी बना सकते हैं अगर आपको मेजरमेंट समझ में ना आए तो आप मुझे बताइएगा मैं इसकी मेजरमेंट बता दूंगी आपको जितने साल की बच्ची के लिए आपको बनाना होगा अब इस तरीके से मैंने पट्टी रेडी कर ली इसे हम प्रेस करेंगे और फिर इस तरीके से बो बना लेंगे देखिए मैंने पट्टी बनाकर मोड़ ली मैंने ऑलरेडी आपको बताया था थ्री इंच तक इसकी चौड़ाई थी और इसकी लंबाई ट्वेंटी इंच तक थी ये देखें आप एटीन इंच तक भी ले सकते हैं ये देखें इस तरीके से हम मोड़ कर इस तरह हम इसे स्ट्रिच कर लेंगे इस तरह हम सिलाई कर लेंगे मैं ये सुई धागा लूँगी और उसकी मदद से इसे जोड़ लूँगी अब मैंने ग्लू ली एक छोटा सा पीस कट किया इस तरीके से आप चाहें तो स्टिच भी लगा सकते हैं लेकिन नीटनेस के लिए मैं इसे सिर्फ ग्लू से कर रही हूँ लगा रही हूँ ताकि इसके ऊपर कोई इस स्टिच नज़र ना आए और लास्ट में इसे मैं सुई धागे की मदद से पूरा पक्का कर लूँगी ठीक है ताकि ये ऊपर से नज़र ना आए ना इसके लिए मैंने ये ऊपर से स्टिच नहीं किया ये जो स्टिच हम इस पर लगा रहे हैं ये उसकी वजह से कवर हो जाएगा इस तरीके से आपकी बो बन जाएगी ये देखें कितने ईजी तरीके से हम चाहें तो हम इस पर अलग अलग पटियाँ लगा कर और फिटिंग वाला स्टाइल भी दे सकते थे लेकिन क्योंकि स्टाइल यही था इस तरीके से बना हुआ था तो मैंने सेम वैसा ही पैटर्न आपके साथ शो किया है आई होप आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी बहुत से, से लोग हैं जो न्यू होते हैं जो बनाना चाहते हैं डिज़ाइंस वगैरह और ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी होते हैं हालांकि बनाने में इसमें कोई ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा और ये इजी भी था और इतना ज़्यादा ये जो है फैंसी और महंगा क्योंकि ये अक्सर ब्रांडेड कपड़े होते हैं इस वजह से भी महंगे होते हैं लेकिन मैं अगर इसकी रियल पिक्चर्स आपको दिखाऊँ ये जहाँ पर ये लगा हुआ है वो भी होम बने हुए थे ड्रेसेस वो जो बेच रहे हैं वो होम ही बेच रहे हैं ड्रेसिंग मैं हो सका तो पिक्चर भी साथ में अटैच करती रहूँगी आप वो भी देख लीजिएगा इसलिए हमने होम मेड ही ड्रेस बनाया है आई होप आपको ये वीडियो बहुत यूज़फुल रही होगी आपके लिए इसी तरीके की मजीद वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा वीडियो पसंद आए तो लाइक कर लीजिएगा और भी बहुत सारे आइडियाज़ हैं आप मुझे बताइएगा मैं ज़रूर शेयर करूँगी आपके साथ खासकर उनके लिए जो सिलाई करना चाहते हैं और ख़ुद बनाना चाहते हैं अपनी बच्चियों के लिए तो उनके लिए तो ये बेस्ट आइडिया है ताकि वो खुद ही स्टिच कर लें क्योंकि बाहर से काफ़ी कॉस्टली मिलते हैं इसी तरह की मजीद नई वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं नई वीडियो के साथ तब तक अपना रखिएगा ख्याल अल्लाह हाफिज़